सिलगेर मामले पर सियासी बयान थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज जन संगठनों के प्रतिनिधिमंडल ने सीएम भूपेश बघेल और राज्यपाल अनुसुईया उइके से मुलाकात की। सीएम भूपेश ने जन संगठनों से विकास के काम में सहयोग करने की अपील की है। उधर सिलगेर मामले को लेकर समाज सेवी सोनी सूरी कार्यकर्ताओं के साथ तर्रेम पहुंची। आदिवासी समाज के प्रमुख भी मौके पर मौजूद हैं। इन लोगों की प्रशासन से बात होगी। उधर सिलगेर मामले में कांग्रेस की जांच कमेटी पर नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि बीजेपी का जांच दल तर्रेम तक गया, जिसके बाद सरकार ने कांग्रेस के जांच दल का गठन किया। जनप्रतिनिधि पहले ही ग्रामीणों से मिल लेते तो स्थिति विस्फोटक नहीं होती। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार के दुलमुल रवैये की वजह से सिलगेर के हालात बिगड़ गए हैं। इतने दिनों तक ग्रामीणों को वहां बैठने की कोई आवश्यकता नहीं थी। ये आवश्यकता जो पड़ी है ये कांग्रेस के ढुलमिल नीति के कारण है। असली उखाड़ करके फेंकना है। आज तक केवल इनके ढुलमिल रवैये के कारण में गांव के लोग परेशान हैं, अधिकारी परेशान हैं और लगातार हत्याओं का दौर जारी है। तो सिलगेर पर संग्राम जारी है। जनप्रतिनिधि पहले ग्रामीणों से मिल लेते तो हालात इतने नहीं बिगड़ते। कार्यकर्ताओं के साथ तर्रेम पहुंची है समाज सेवी सोनी सूरी। तो राज्यपाल अनुसुईया उइके से भी मिले हैं जन संगठनों के प्रतिनिधि मंडल। और इसी खबर पर जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता राजेश मिश्रा। राजेश, सिलगेर का मामला थमता नहीं दिख रहा है। जी बिल्कुल, सिलगेर का मामला जो है वह थमता दिखाई बिल्कुल नहीं दे रहा है। और अभी आज जो हम बात कर रहे हैं तो सिलगेर की घटना को लेकर विभिन्न जन संगठनों के प्रतिनिधियों ने आज पहले रायपुर आकर मुख्यमंत्री निवास में मुख्यमंत्री से मुलाकात की और उसके बाद राज्यपाल अनुसुईया उइके से मिले। उन्होंने सिलगेर की घटना की पूरी स्थिति की जानकारी उनको दी है और साथ ही साथ उनसे ये भी अनुरोध किया है कि सिलगेर गांव के लोग जो आंदोलन में बैठे हुए हैं उनका एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से मिलकर वहां की पूरी वस्तुस्थिति की जानकारी देना चाहता है। और उन्होंने इसको लेकर मुख्यमंत्री से अनुरोध किया कि अगर आपकी अनुमति हो तो यहां पर रायपुर आकर उनसे मिल भी सकता है। और वो इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि बिल्कुल, अगर कोई प्रतिनिधिमंडल आता है तो उनका हम स्वागत करेंगे। और इसके अलावा इन जन संगठनों के प्रतिनिधियों से मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि बस्तर में जो विकास का काम चल रहा है, विकास कार्यों में और आदिवासियों के हितों के लिए जो सरकार काम कर रही है उसमें उन्होंने सहयोग करने की बात की। इसके बाद ये प्रतिनिधिमंडल राजभवन आया और राज्यपाल ने राज्यपाल अनुसुईया उइके से मिला और यही सभी जानकारी राज्यपाल अनुसुईया उइके को भी दिया और उन्होंने उनसे भी यही अनुरोध किया कि अगर आप अनुमति दें तो सिलगेर में जो आंदोलन चल रहा है उसकी घटना की पूरी वस्तुस्थिति जानकारी देने के लिए सिलगेर गांव के आसपास के कुछ लोग प्रतिनिधिमंडल वो राजभवन आना चाहते हैं। तो राज्यपाल ने भी इस पर भी विचार विमर्श करके बात करने की बात की। तो आज एक पूरी घटना की जानकारी इसमें यहां पर जो जन संगठन के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री और राज्यपाल को दी है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जानकारी के लिए। तो सिलगेर मामले पर लगातार सियासत हो रही है, थमने का नाम नहीं ले रही।